जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुदूर गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि ऑपरेशन शनिवार शाम को गुप्त सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया था। सेना और स्थानीय पुलिस के संयुक्त प्रयास में पुंछ के मेंढर उपमंडल के पठानतीर इलाके में दहशतगर्दों को घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घिरे हुए दहशतगर्दों में एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है। इस दौरान दोनों ओर से मुठभेड़ जारी रही। दहशतगर्दों के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पठानतीर इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। जब सुरक्षा बल दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से मुठभेड़ शुरू हुई। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा चुके हैं और इलाके को घेर लिया गया है ताकि दहशतगर्दों को भागने का कोई भी मौका ना मिल सके। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि दहशतगर्दों में एक उनका शीर्ष कमांडर भी फंसा हुआ है, जिसे जाल में फंसाने के बाद सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया है। ये मुठभेड़ उस घटना के एक दिन बाद हो रही है, जब बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। शुक्रवार रात शुरू हुए इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ में उनकी सफलता मिली। इस बार भी सेना और पुलिस दहशतगर्दों को पूरी तरह से घेर कर उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थिति बहाल की जा सके। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि शनिवार को ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी सहित भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं बारामूला में एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र शासित प्रदेश में इस हिंसा की छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये क्षेत्र में एक दशक में होने वाला पहला चुनाव है। ऐसी घटनाओं के बाद क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं।